पिछले वीडियो में हमने वर्ग और आयत से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और उसकी थ्योरी को समझा। काउंटिंग ऑफ फिगर में वर्ग और आयत को काउंट कैसे करना है, इसके लिए जो ट्रिक्स सीखना था वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब उन ट्रिक्स कॉन्सेप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है प्रश्नों में, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जो प्रश्न हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वो प्रश्न पहले के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है इसी तरीके के प्रश्न आपके आगे आने वाले प्रश्न पत्रों में भी पूछे जाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। इस चित्र में, इस डायग्राम में आपको टोटल नंबर ऑफ वर्गों की संख्या बताना है। इस पूरे डायग्राम में कितने वर्ग हैं वो आपको काउंट करके बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 50, 42, 44, 64। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ट्रिक का यूज करना है इसमें। अब देखिए दो डायग्राम कंबाइंड कर दिया है बस। इससे पहले वाले अपन देखे क्वेश्चन में कि सबको इंडिविजुअल अपन किए, इस टाइप के क्वेश्चन को अलग किए, फिर इस टाइप क्वेश्चन को अलग किए अपन। तो जब दो अलग अलग डायग्राम कंबाइंड होते हैं तो सब अपन सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट तरीके से अपन उसको निकाल लेते हैं, उसको फिर एड कर देंगे अपन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इस जो डायग्राम, जो अंदर में कवर डायग्राम जो वर्ग बना हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देखने के लिए भूल जाइए। ठीक है ना, भूल जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पास। अब यहाँ पास कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और पंक्ति या रो कितने हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये कितने बाई कितने का टेबल है, 4x4 का है। तो अपन जानते हैं ट्रिक, अपने को पता है वर्गों में कैसे ज्ञात किया जाता है, एक एक माइनस करके इंटू करके प्लस करते जाएंगे अपन। तो ये 4x4 का है ये। ठीक है, ये 4x4 का है तो क्या हो जाएगा, 4x4 प्लस एक माइनस कर दो, 3x3 प्लस 2x2 प्लस 1x1, ये 1 आ गया यहाँ पास। 1 जहाँ है वहाँ स्टॉप हो जाना है, आपको पहले बता दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 प्लस 4 और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया ऐड करने से, 10 ये हो गया, 26, 26 और 6 30, तो यहां से कितना आ गया आपका, 30 आ गया। लेकिन क्या और इसमें वर्ग हैं, है इसमें वर्ग। ये तो अपन केवल जो 4x4 जो टेबल बना है उसका बस निकाले, जो अंदर में और जो ये सब जो बना हुआ वर्ग बना हुआ है अलग अलग, उसको अपन काउंट नहीं किए हैं। यहां भी तो एक वर्ग बन रहा है, देखिए ये भी तो एक वर्ग बन रहा है, फिर इसके अंदर ये भी तो एक वर्ग बन रहा है। याद कीजिए ये इस टाइप का डायग्राम है, मैंने बताया था आपको, जब ऐसा डायग्राम होता है तो कितना होता है यहां से वर्गों संख्या, 5 होती है। जब ऐसा अपन डायग्राम देते तो अपन को याद है कि भाई यहां से वर्गों संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो यहां भी ऐसे सेम डायग्राम बना हुआ है, तो यहां से कितना होगा आपका, 5, 5 वर्ग यहां से, 5 वर्ग यहां से, 5 वर्ग यहां से और 5 वर्ग यहां से। अपन जानते हैं इस टाइप के डायग्राम में कितने वर्ग बनते हैं, 5 बनते हैं, तो ये भी ऐड होगा क्योंकि ये भी अलग अलग वर्ग बना रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 5 प्लस 5 10, 10 5 15, 15 5 20, तो ये हो गया 20, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 50। तो इस डायग्राम में, इस चित्र में टोटल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दिया है इसमें, 50, ऑप्शन नंबर ए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, ट्रिक यूज किए हैं जो अपन पहले में किए थे, बस यहां दो अलग अलग डायग्राम को ऐड कर दिया है। अपन पहले सेपरेट किए, इसको अलग किए और बाकी को अपन अलग निकाले तो 30 आया, और छोटे वाले जो वर्ग थे इसको अपन अलग से कैलकुलेट किए तो 5 प्लस 5 15, 15 5 20 और 15 हो गया 15 5 20, और टोटल क्या हो जाएगा, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50। इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी।